हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे ये जो क्लास होने वाली है तो 10वीं की मैथ्स की है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है ना उनको एक बार शेयर कर दिया करो, ताकि आपके साथ साथ में ना वो भी पढ़ पाए। ठीक है दोस्तों, और आपके जितने भी रिलेटिव लोग हैं उन सबको भी ये बात बता दिया करो। ठीक है, हमने अभी अभी स्टार्ट किया है और आपको अच्छा ही पढ़ाएंगे, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारी क्लास है ये अगले सत्र को लेके हैं, अभी से है। ठीक है, क्योंकि अभी जो अभी के सत्र तो आपको जो एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, ये तो सत्र ख़त्म होने वाला है, तो अगर हम थोड़ा प्रयास भी करते ना तो भी नहीं हो पाता ये। तो इसीलिए पता है ये जो हमारी क्लास ये अगले सत्र के लिए ही रहने वाली है। ठीक है, तो जितना हो सके आप अपने रिलेटिव लोगों को, अपने फ्रेंड सर्किल को ये वीडियो आप भेज दिया करें। ठीक है, तो देखो बताऊँ मैं आपको, जो हमारी इस क्लास में हम पढ़ने वाले थे सांख्यिकी के बारे में, स्टैटिक्स। ठीक है, और मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ एक बार, तो देखो हम करने वाले उसके अंतर्गत, इसके जो अंतर्गत हमारा जो भी चीज़ है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करने वाले में हम 10th मैथ को, ठीक है, ये हमारी क्लासेस रहने वाली है इसकी, और बात हमारा चैप्टर नंबर है 14, और इसका टॉपिक का उसका प्रश्नावली जो भी है आपकी, इसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी इसके अंतर्गत देखो क्या क्या चीज़ है, एक तो है माध्य हमारा, एक तो है हमारा माध्य, फिर दूसरे नंबर पे हमारा बहुलक है, और थर्ड नंबर पर जो है वो है हमारा माध्यक। माध्यक, ठीक है। देखो मैं इन दोनों की बात कर चुका हूँ, ये दोनों पढ़ा चुका हूँ। हमारी जो भी कोई भी स्टूडेंट जो अभी फ़िलहाल में ये फर्स्ट वीडियो है जिस भी मित्र की, तो वो क्या करे, हमारी मेरी प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, 10th मैथ्स के नाम से, तो उस पर विजिट करें। ठीक, और इससे पहली जितनी भी क्लासेस हैं ना उन सबको वो देख लें। ठीक है, तो माध्यक, माध्य और बहुलक मैं आपको करा चुका हूँ, एक बार फटाफट से अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो माध्यक में मैंने क्या बताया था, हमें माध्यक के लिए मैंने बताई थी हमारी तीन विधि। पहली थी हमारी प्रत्यक्ष, ठीक है ना, सेकंड वाली थी हमारी ये कल्पित माध्य नाम की, सेकंड कौन सी थी, कल्पित माध्य। ठीक है, और थर्ड नंबर की थी हमारी कौन सी, पग विचलन, पग विचलन। ये आप देखो मैं इनके फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, और मैं पता है ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको भी ये फॉर्मूला याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने शायद हर वीडियो में स्टार्ट होने से पहले ये इनके जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताए हैं। तो आप जिन लोगों जो लोग अगर शुरू से हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं रेगुलर, उनको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे। ठीक है, और आप क्या करें कि जैसे ही आप कोई भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो देखो अगर एक तो ये है कि मैं साथ साथ आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ, ठीक है, इनके जो भी सूत्र हैं, तो आप क्या करें कि जितनी बार भी जैसे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ये सांख्यिकी जैसे ही ख़त्म हो, इन सबके सभी के जो भी ये फॉर्मूलाज हैं सांख्यिकी के अंदर, जितने भी हमारे फॉर्मूलाज आएंगे उन सबको आप अलग से नोट डाउन कर लें। ठीक है ना, मतलब चैप्टर से पहले ही एक पन्ना खाली छोड़ दें, उसमें नोट डाउन कर लें, ताकि हमको पता रहे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से फॉर्मूलाज हमारे काम आने वाले हैं। ठीक, तो देखो इनको एक बार बात करते हैं हम तीनों के फॉर्मूले की। ठीक है, वो मैं करा तो चुका हूँ आपको, और साथ के साथ आप जैसे ही मैं कराता चलूँ तो आप साथ के साथ में उसको रिवाइज करते चलें। तो देखो प्रत्यक्ष विधि में क्या होने वाला था, प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला था वो था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये था। ठीक, कल्पित माध्य का था हमारा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये था हमारा। इसके अंतर्गत क्या बात करें हम, यहाँ पे डी बराबर था हमारा एक्स माइनस ए, ये विचलन बताया था मैंने आपको, विचलन होता है। बात करें हम कल्पित माध्य की, तो कल्पित माध्य सेम था सिग्मा, सॉरी ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, ये था। और यहाँ पे जो भी गुणा था वो एच में था, ठीक है ना, वर्गमाप का गुणा था। और बात करें हम इसके यू की, तो यू क्या है, यहाँ पे यू रहने वाला है हमारा एक्स माइनस ए बटे एच, ये हमारा क्या रहने वाला है, यू रहने वाला है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक साहब। अब बात करते हैं हम बहुलक की। बहुलक का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, बहुलक का फॉर्मूला था एल प्लस
देखो F1 सबसे पहले आएगा, F1 से छोटा क्या, F0 ये सबसे पहले आएगा। तो सेम F1 माइनस F0 नीचे लिखो, सेम इसमें क्या कर दो, दो का भाग दे, इसका दो गुणा कर दो और एक और घटा दो और गुणा कर दो H का। ये आपको हो गए, ठीक है, ये फॉर्मूलाज हो गए। अच्छा, माध्यक का मैं फॉर्मूला आपको साथ के साथ बता देता हूँ, माध्यक का फॉर्मूला मैं साथ के साथ आपको बता देता हूँ। और जो फॉर्मूला मैं अभी बताने वाला हूँ वो हमारा क्या है, वर्गीकृत वारंवारताएं जो भी आएंगी उनके लिए है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये भी हमारा वर्गीकृत वारंवारता के लिए है, क्योंकि अगर हमारा अवर्गीकृत वारंवारता होगी तो जो बहुल जो वारंवारता सर्वाधिक बार आएगी वो हमारी क्या बहुलक हो जाएगी, अवर्गीकृत के लिए बात कर रहा हूँ मैं। वर्गीकृत के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार माध्यक अगर अवर्गीकृत में आए, देखो थोड़ा ध्यान दिया करो शब्दों शब्दों को, थोड़ा गौर से सुना करो, मैं बात कर रहा हूँ माध्यक की। अगर माध्यक हमारा अवर्गीकृत आए, अवर्गीकृत आए उसके लिए देखो, अगर उसके लिए हमारा अलग है और जो वर्गीकृत के लिए है वो अलग है। तो देखो हमारा अधिकतर क्या है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे एग्जाम में, जो फाइनल एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आता है ना, वो अधिकतर चांस होते हैं यहीं से आता है, ठीक है। मतलब बहुलक प्लस माध्य आएगा, या फिर बहुलक प्लस माध्यक भी पूछ लेगा, या माध्यक प्लस माध्य पूछ लेगा, या फिर हो सकता है आपको एक सवाल देके तीनों ही पूछ लें। क्योंकि अगर वर्गीकृत रूप में दिया हुआ है सवाल वर्गमाप लेके के लेकर के, तो उसमें क्या है, हमारा तीनों ही ज्ञात कर सकते हैं एक ही सवाल में, ठीक है ना। तो कोई समस्या नहीं है वो। तो देखो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ माध्यक की, लेकिन हम माध्यक की डिटेल में बात अभी करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये सारे के सारे एक साथ याद तो कर लोगे, ठीक है। तो देखो क्या फॉर्मूला है, देखो एल प्लस ये, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और देखो हमारा ऊपर क्या होने वाला, ऊपर यहाँ पे Ny2 माइनस CF बटे F गुणा में होने वाला H। ये आप थोड़ा फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद रख लें, ठीक है ना। ये L क्या है, Ny2 क्या है, CF, F, ये मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूँ। आपको क्या है कि इसके अंदर का जितने बार फॉर्मूला आ जाए ना वो ये है, सांख्यिकी के अंदर जितने बार भी फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसमें मैं बता चुका हूँ, F1 F0 जो भी क्या क्या होने वाले हैं, VA में बता चुका हूँ डिटेल से, ये डिटेल से बता चुका हूँ। रही बात माध्यक की, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। तो ये नोट डाउन कर लें, फिर बात करते हैं हम आगे इसको डिटेल में माध्यक के ऊपर, ठीक है दोस्तों, करो नोट डाउन। देखो अभी हम लेने वाले हैं माध्यक, ठीक है, डिटेल से। बात करते हैं हम माध्यक की, माध्यक क्या होता है, माध्यक क्या है कि हमारे सॉरी गाइस, माध्यक हमारे जितने बार भी प्रेक्षण दिए हुए होंगे ना, जितने बार भी हमारे प्रेक्षण दिए हुए होंगे उनका जो मध्य का मान होगा, उन प्रेक्षणों के मध्य का मान होगा वो हमारा माध्यक कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो माध्य और माध्यक क्या एक ही चीज है, हम बात करें माध्य की, तो माध्य हमारा क्या है, यहाँ पे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या थी यहाँ पे, ठीक ये था हमारा, ये था यहाँ पे, ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या ये थी। अब बात करें हम माध्यक की, लेकिन माध्यक में क्या है, प्रेक्षण का मध्य का मान होता है, ये माध्यक प्रेक्षणों के मध्य का मान, ये इसका मतलब है। प्रेक्षणों के मध्य का मान, अंतर समझ में आया आपको, माध्य क्या होता है, हमारे जितने बार भी प्रेक्षण थे उनका योग बटे उनकी संख्या, तब हमारा माध्य निकलता है। लेकिन माध्य के लिए सबसे पहले अगर हमारा वो आरोही क्रम में व्यवस्थित रूप में है, हमारे जितने भी जो भी प्रेक्षण हैं वो अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं तो उनके जो भी बीच का मान होगा वो हम ले लेंगे, वो हमारा माध्य हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि कभी कभार क्या है, वो हमारा आरोही क्रम सही नहीं रहता, ठीक है ना। मतलब
अवरोही क्रम में आ जाता है या फिर कभी मतलब कोई क्रम नहीं होता, निर्धारित क्रम नहीं आता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है हमें, उसमें सबसे पहले वो हमें आरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही क्रम में लिखने के बाद में वहाँ पे हमारा जो भी मध्य, जो भी प्रेक्षण होता है उसके मध्य का मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा मध्य का मान, उसमें देखो प्रेक्षणों का जो भी अगर बात करें, अगर सम और विषम की, ठीक है, इसका मतलब होता है माध्यक का होता है हमारा प्रेक्षणों के मध्य का मान। ठीक, अब बात करते हैं हम अगर कि इसको मतलब वर्गीकृत, और ये क्या हमारा वर्गीकृत के लिए अलग है, तो पहले बात करते हैं अवर्गीकृत के लिए। अवर्गीकृत के लिए और फिर बात करेंगे हम वर्गीकृत के लिए, ठीक है ना। ये दो टाइपों में है माध्यक हमारा, दो टाइपों में है, एक है अवर्गीकृत के लिए, एक वर्गीकृत के लिए। ठीक है, तो देखो हमारा अगर हमें नहीं पता हो जैसे प्रेक्षण के मध्य का मान क्या है नहीं पता हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इनको आरोही क्रम में लिखते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है ना, आरोही क्रम में लिखते हैं सबसे पहले, आरोही क्रम में लिखते हैं सबसे पहले। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो भी हमारा मान है वो आरोही क्रम में है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इनका जो भी योग आएगा वो सम है या विषम है, ये भी हमको देखना होता है। ठीक है ना, इन जो भी योग है वो सम या विषम, योग सम या विषम, एक तो सम आएगा एक विषम के लिए अलग होगा। ठीक, अगर हम विषम आएगा, अगर विषम आया तो विषम में क्या करते हैं हम, जो भी हमारा देखो जो योग आएगा वो हमारा एन है, माना हमारा योग क्या है एन। अब देखो अगर हम एन प्लस वन बटे दो कर दें और इसके सामने वाला प्रेक्षण, विषम में जितने भी हमारा एन का मान आया उसमें एक जोड़ने के बाद में अगर हम दो का भाग दे दें, तो वो वाला जो प्रेक्षण होगा वो हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। बात करते हैं हम सम की, तो सम में क्या होता है, सम में होता है हमारा एन वाई टू, एक तो एन वाई टू वा और एन वाई टू प्लस वन वा प्रेक्षण, इन दोनों के प्रेक्षणों का औसत होता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, यहाँ तक आप नोट डाउन करो। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूंगा ये कि ये क्या चीज़ें। ठीक है ना, तब तक आप इतना याद रखना, सबसे पहले हमारा अगर अवर्गीकृत आता है तो उसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखने के बाद में हमें उनका योग करना होता है। ठीक है ना, अब देखो या तो योग कर लो या फिर इसमें बात आती है संचय वारंवारता की। ठीक है ना, आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में बाद में इसमें संचय वारंवारता बनानी पड़ती है, ये भी नोट डाउन कर लेना आप, संचय वारंवारता में लाओ। ठीक, अच्छा अब ये क्या बला है, संचय वारंवारता क्या बला है, संचय वारंवारता हमारी क्या है कि हमारे जितने पर भी प्रेक्षणों के मान दिए हुए होंगे उनका योग चलता जाता है नीचे तक। ठीक है, पहला लो फिर उसमें दूसरे वाले में पहले का योग कर दो, तीसरे वाले में पहले और दूसरे का योग कर दो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो इनका योग ही आता है। ठीक है ना, अगर हम प्रेक्षणों का योग देखें और संचय वारंवारता की लास्ट की वैल्यू देखें, क्या बात, देखो गौर से सुनो, एक तो हम प्रेक्षणों का योग देखें, एक हम संचय वारंवारता का अंतिम बिंदु देखें या अंतिम मान देखें, तो वो क्या आता है हमारा बराबर आता है और वो वैल्यू हमारी एन कहलाती है। ठीक है, वो वैल्यू क्या कहलाती है, एन कहलाती है। इसके बाद में हमें देखना है कि एन सम है या विषम है, फिर सम विषम के आधार पर, अगर सम है तो ऐसे इस टाइप से करेंगे, विषम है तो इस टाइप से करेंगे। ये हो गया आपका, ये नोट डाउन कर लो। फिर इसके लिए चलो एक और, चलो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, पहले आप अवर्गीकृत का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये आपका नोट डाउन हो गया, इसके बाद में बात करता हूँ हम इसके पर, मतलब बात करते हैं हम किसकी, एक उदाहरण को ले लेके। ठीक है, एक उदाहरण को लेते हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो मैंने अभी जो लिखाया है एन बाई प्लस टू, ठीक है ना, ये क्या होता है। तो देखो आपके बुक्स में क्या है, एक उदाहरण दे रखा होगा, पेज नंबर होगा आपका 304 से स्टार्ट है वो। ठीक है ना, 304 से वो क्वेश्चन स्टार्ट है। उस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले तो हमारे आंकड़े दिए हुए होंगे, उनकी बारंबारता दी होगी,
और वो जो भी आंकड़े हमारे दे रखे होंगे वो ना वो कोई निश्चित क्रम में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में बताया गया है, फिर अगली डेस्क में उस वहाँ पे आरोही क्रम में लिखने के बाद में उनका क्या है, संचय बारंबारता बनाइए। और देखो मैंने बताया था ना आपको आरोही क्रम, आरोही क्रम के बाद में संचय बारंबारता, संचय बारंबारता निकालने के बाद में संचय बारंबारता का जो लास्ट का मान है वो हमारा क्या होगा, 100। ठीक है दोस्तों, तो संचय बारंबारता देखो आपके उदाहरण की बात कर रहा हूँ मैं, उदाहरण की, ठीक है, ताकि आपको ये जो बिंदु मैंने बताए थे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उदाहरण की बात करें तो उसमें देखो एन का मान है वो 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, एन का मान क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब देखो 100 सम है या विषम है, ऑफकोर्स सम है, सम है, और सम आएगा तो मैंने क्या इसकी बताया था, इसका ट्रिक क्या बताया था मैंने आपको, इसका था कि एन वाई टू और एन वाई टू प्लस वन वहां प्रेक्षण का औसत लेते हैं, एन बाई टू वा और एन बाई टू प्लस वन वा प्रेक्षण का औसत लेते हैं, तो ये 100 है। तो 100 है तो देखो 100 बटे 2 कितना हो गया, 50वां हो गया एक तो, ठीक, और 100 बटे 2 प्लस 1 51वां हो गया। ठीक, तो अभी आप अपनी बुक उठाओ, मतलब आप बुक ओपन करके बैठे होंगे, ठीक है, तो देखो बुक में देखो आप कि यहाँ पे जो 50वां प्रेक्षण दे रखा होगा ना वो तो आई थिंक आपका 28 दे रखा है, और 51वां जो प्रेक्षण दे रखा होगा ना वो आपका 29 दे रखा है। ठीक, देखो ध्यान से दे रखा है ना, ये दोनों दे रखे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि इनका क्या करना है, हमें औसत लेना है, ठीक है, औसत लेना, औसत क्या होता है हमारा, राशियों का योग और राशियों की संख्या। तो देखो औसत लो इनका, औसत कैसे लेते हैं, देखो औसत जो औसत आ जाएगा ना वो हमारा माध्य हो जाएगा, तो औसत लो, तो औसत कैसे लेते हैं, 28 प्लस 29 बटे 2 कितना हो गया, ये 9 और 8 70 है, 57 बटे 2, तो ये हो गया हमारा 28.5, ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, और ये क्या हमारा माध्यक, तो माध्यक बराबर क्या आ गया हमारा, माध्यक बराबर आ गया हमारा 28.5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, और अगर वो विषम होता तो क्या करते हैं, देखो अगर वो विषम होता यहाँ पे, जैसे एक अन्य उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है, अगर यहाँ पे एन बराबर 101 होता, 101 होता तो हम क्या करते, इसमें ये लगाते विषम के लिए, ठीक है, ये विषम है, विषम है, ये विषम में, तो ये क्या हो जाता, देखो 102 बटे 2 बराबर क्या आ जाता, देखो 51, तो 51वां प्रेक्षण हमारा, 51वां प्रेक्षण हमारा माध्यक कहलाता, ये आपका था, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लें, सॉरी नोट डाउन तो क्या करें, आप हमारा जो भी ये दो आपको क्वेश्चन तो दे रखा होगा आपकी बुक्स में, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में दे ही रखे होंगे, तो आप अभी एक बार आप इसको समझ लो एक बार, ठीक है, कि कहां से क्या आने वाला है। फिर हम देखते हैं इसके लिए, इसका जो भी वर्गीकृत के लिए क्या होता है, ठीक है, तो ये था हमारा अवर्गीकृत के लिए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये उदाहरण था हमारा अवर्गीकृत के लिए, ये उदाहरण था हमारा अवर्गीकृत के लिए, ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा। और अभी हम बात करने वाले हैं हम वर्गीकरण के लिए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब विषम आपको समझ में आ गए, क्या फ्रैक्शन होने वाले हैं, ठीक है।
आप जो भी मैंने जो प्रीवियस ईयर में जो भी टॉपिक्स लिए हैं ना, इसके 14.1 और 14.2, इनके जो भी क्वेश्चन बचे हैं ना, तो वो आपने करके देख लिए होंगे और शायद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हों तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना, वीडियो के नीचे कमेंट करके कि किस क्वेश्चन में परेशानी है। जो भी आपको समस्या लगे वो आप बेझिझक बता सकते हो। ठीक, तो देखो मैं अभी बात करने वाला हूँ अवर्गीकृत के लिए, ठीक है, सॉरी वर्गीकृत के लिए। हमारा टॉपिक था माध्यक, टॉपिक था हमारा माध्यक, और बात करने वाले थे हम वर्गीकृत के लिए। बात करने वाले थे हम वर्गीकृत के बारे में। अब वर्गीकृत क्या होता है? देखो वर्गीकृत में हमें, मैं आपको ये स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत दो प्रकार की हमारी बारंबारताएं होती हैं। मैंने माध्यक में भी इसका यूज किया था कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत प्रकार के माध्यक कैसे निकालें। मैंने दोबारा बहुलक में बताया था आपको कि वर्गीकृत बहुलक किस प्रकार निकालते हो, अवर्गीकृत बहुलक किस प्रकार निकालते हैं। एक बार फिर माध्यक में भी ये दो टाइप हैं, एक तो अवर्गीकृत के लिए था, एक वर्गीकृत के लिए था। तो अवर्गीकृत में बता चुका हूँ अभी आपको किस प्रकार से निकालना है। तो हमारा टॉपिक रह गया अभी होने वाला है हमारा वर्गीकृत के लिए, ठीक है। तो देखो वर्गीकृत में देखो तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे ये वर्ग माप यहाँ पे दे रखा होगा, हमारा वर्ग दे रखे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, वर्ग दे रखे होंगे यहाँ पे, इनकी बारंबारता दे रखी होंगी, ठीक है, दो चीज दे रखी होंगी यहाँ पे। तो ये जो वर्ग है और ये जो बारंबारता बारंबारता हमारी दी हुई है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका योग निकाल के एन का मान निकालना है। बारंबारताओं का योग निकाल लो, या फिर मैंने बताया था आपको बारंबारताओं का योग संचयी बारंबारता के लास्ट मान के बराबर होता है, बताया था मैंने आपको। तो देखो बारंबारता का योग और और जो भी संचयी बारंबारता का मध्य का जो भी लास्ट का सॉरी अंतिम मान होता है वो हमारा एन होता है। और उस एन में अगर दो का हम भाग दे दें, एन में अगर हम दो का भाग दे दें, तो जो भी हमारा प्रेक्षण आता है उसके सामने वाला वर्ग हमारा माध्यक वर्ग होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से सुन लो आप, संचयी बारंबारता का जो लास्ट का मान होता है उसके अंदर हम दो का भाग देते हैं, और जो प्राप्त प्राप्त जो भी प्रेक्षण होता है हमारा उसके सामने वाला जो भी वर्ग होगा वो हमारा माध्यक वर्ग होगा, और माध्यक वर्ग की जो भी निम्न सीमा होगी वो हमारी एल कहलाएगी, ठीक है। तो ये पता चल गया, तो एल हमारा यहाँ पे जो भी है ना ये रहने वाला है, जो कि मैंने आपको बहुलक में भी बताया था, बहुलक वर्ग होता है और बहुलक वर्ग की जो भी निम्न सीमा होती है वो यहाँ पे मैंने बताई थी, वो एल होता है हमारा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, देखो इसका फॉर्मूला अगर बात करें हम माध्यक की, अगर हम माध्यक की बात करें तो माध्यक क्या होता है हमारा, माध्यक होता है हमारा एल प्लस एन वाई टू माइनस के यहाँ पे सी एफ हो गया, और वटे हो गए हमारे एफ, और गुणा में हो गया हमारा एच, गुणा में हो गया हमारे एच, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि यहाँ पे ये होता क्या है, जो भी एल है ये हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। एल क्या है हमारा माध्यक वर्ग, उसकी क्या है निम्न सीमा, दो चार बार अगर आप याद रख दो चार बार अगर आपने ये याद कर लिया ना तो ये स्थाई हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फ्री टाइम में आप इसको रिवाइज करते रहा करें, जितनी भी फॉर्मूला मैं कराने वाला हूँ। और हम क्या करेंगे कि जब हमारी जो भी प्रश्नावली हमारी खत्म हुआ करेगी उसके अंतिम क्लास में हम एक बार दोबारा से पूरे की पूरी जो भी प्रश्नावली है उसका हम रिवाइज किया करेंगे, ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर आप डिमांड करोगे तो टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक, क्वेश्चन करा करा के आपको, ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर ये एल क्या होगी हमारी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गई। इसके बाद करते हैं एन क्या है, एन हमारा प्रेक्षणों का योग है, एन क्या है हमारा प्रेक्षणों का योग है। प्रेक्षणों का योग है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एन हमारा संचयी बारंबारता का
लास्ट का मान है, ठीक है, संजय बारंबारता का अंतिम मान है, वो भी हम एन ले सकते हैं। इसके बाद में सी एफ क्या है, सी एफ क्या है, सी एफ है हमारी जो माध्यक वर्ग है ना, ये माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग सी एफ से देखो, संजय बारंबारता ये तो आपको कन्फर्म है, संजय बारंबारता कहलाती है सी एफ। लेकिन यहां पे जो भी सी एफ इस फॉर्मूले में जो हमें सी एफ लेनी है ना, ये जो भी माध्यक वर्ग आएगा ना, माध्यक वर्ग की जो सामने वाली, जैसे ये हमारा माध्यक वर्ग रहा, ये हमारा कोई माध्यक वर्ग रहा, इसके सामने वाला जो भी सी एफ होगा, इससे पहला मान ये हमें लेना है, ये हमारा सी एफ, ये हमारा काम का है इससे पहले, ठीक है। तो क्या लिखने वाले हम यहाँ पे कि जो माध्यक वर्ग है ना, माध्यक वर्ग के सामने वाली संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग के सामने, या फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो आप कि माध्यक वर्ग से पहली बारंबारता, ठीक है, माध्यक वर्ग से पहली बारंबारता सीधा लिख लो आप, जो माध्यक वर्ग होगा, देखो ये माध्यक वर्ग वाली है बारंबारता, इससे पूर्व बारंबारता, ठीक है ना, माध्यक वर्ग से पूर्व की बारंबारता डायरेक्ट लिख लो, माध्यक वर्ग से पूर्व की बारंबारता, ठीक साहब, ये हो गया आपका। अभी बात करने वाले हम एफ की, एफ होने वाली हमारी जो माध्यक वर्ग होती है उसकी, यहां पर संचय बारंबारता लिख लेना आप, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट लगा के लिखना संचय बारंबारता, संचय बारंबारता है, ठीक। चलो मैं ही लिखा देता हूं दोबारा आपको इसकी साफ करके, संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग से पूर्व की संचय बारंबारता। अब बात करते हैं हम एफ की, एफ क्या है हमारा, एफ है हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो माध्यक वर्ग है ना, माध्यक वर्ग की बारंबारता लिख लो, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये खाली बारंबारता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको बारंबारता और या बारंबारता या प्रेक्षण, या तो माध्यक वर्ग की बारंबारता बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो वहां पे प्रेक्षण हमारा, जैसे देखो यहाँ पे जो आएगा ये वाला प्रेक्षण हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एफ कहलाएगा, ये वाला प्रेक्षण एफ कहलाएगा, ठीक है। और एफ से ही, एफ के योगों से ही तो बनती है सी एफ हमारी, संजय बारंबारता हमारी एफ के योगों से ही बनती है, ठीक। तो ये हमारा हो गया, एच हमारी वर्गमाप हो गई, एच हमारी वर्गमाप हो गई, ये हमारे क्या है, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है, और इसी फॉर्मूला के आधार पे ही हमारे क्या होने वाले, क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, इसके बाद में इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये लिख लो कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि एक ही पहला क्वेश्चन लेंगे, और पहले क्वेश्चन में हम माध्यक निकालेंगे, उसका बहुलक भी निकालेंगे और माध्य भी निकालेंगे, क्योंकि आपकी ये जो 14.3 है, शायद 14.3 है, इसमें माध्यक भी है, बहुलक भी है, माध्यक भी है, बहुलक भी है और माध्य भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने नोट डाउन किया, फॉर्मूला करें साफ, ठीक साफ। अभी देखो लेने वाले हम पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक तो उदाहरण का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सवाल नंबर है फर्स्ट, 14.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें एक तरफ दी हुई है हमारी मासिक खपत इकाइयों में, एक तरफ दिया हुआ है उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है ना, और यहाँ पे जो भी हमारे उपभोक्ता हैं वो दे रखे हैं 68, ठीक है, टोटल 68 उपभोक्ता हैं, मतलब इनका जो योग है वो पहले ही दे रखा है वहां पे, ठीक है ना, कितना है यहाँ पे, इनका योग दे रखा है पहले ही 68, ठीक। अब हम देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में हमें इसमें बहुलक भी निकालना है, इसमें देखो सबसे पहले माध्यक निकालना है, इसके बाद में हमें बहुलक भी निकालना है, और हमें इसमें माध्य भी निकालना है,
ये तीनों चीज़ें हमारी निकालनी है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यक की, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ठीक है। देखो तो फॉर्मूले में क्या था हमारा, एल था एक, एक था हमारा एन वाई टू, एक थी हमारी पूर्व संचयी वारंबार था, एक था हमारा एफ और गुणा में था एच हमारा, यही था ना, ये हमारा फॉर्मूला था माध्यक का, ठीक। इसमें देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपको वर्गीकृत में, सबसे पहले हमें लेना है जो भी प्रेक्षण है इनका योग लेना है, ठीक है। तो प्रेक्षणों का योग ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ 68, उसके बाद में क्या करना है हमें 68 में देना है 2 का भाग, ठीक है। देखो 68 में हम देंगे पहले 2 का भाग, तो एन बाई टू करेंगे, एन बाई टू हो गया, ठीक है ना। अब एन बाई टू करने के बाद में यहाँ पे प्राप्त होता है हमारा कितना, 68 बटे 2 करो 34, ठीक 34। फिर हमें यहाँ पे अलग से निकालनी होगी हमें संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता सी एफ, यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता लिख दो, ठीक है, संचयी बारंबारता। तब तक के लिए एक तरफ इसको साफ कर दें पहले। तो मैंने संचयी बारंबारता बताया था आपको, संचयी बारंबारता के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो भी नीचे, जैसे ही जैसे हम नीचे जाते चलेंगे इन सब का योग ऊपर वाले का योग हम लेते चलेंगे। तो देखो 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो 4 तो 4 ही हो जाएगा, लेकिन अगर हम संचय 5 के संचय बारंबारता की बात करें तो 5 से पूर्व क्या है 4, और 4 का इसमें मैंने बताया था क्या होगा योग होगा 9 हो जाएगा। अब 9 है, अब देखो 13 के सामने 13 का योग 9 में कर दो और यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो 13 9 हो जाएंगे हमारे 22। इसके बाद में देखो 20 है तो 20 की क्या हो जाएगी योग करो 42 हो जाएगा। इसके बाद में हम अगर 14 की निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा 56, 56 होने वाला है, ठीक है। 56 में अगर हम 8 का 8 की संचय बारंबारता निकालें तो 8 की सब 8 की संचय बारंबारता कितनी हो जाएगी हमारी 64, 64, और 4 की हो जाएगी हमारी 68, ये हमारी संचय बारंबारता होने वाली है। तो आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि हमारे जो भी प्रेक्षणों का योग होता है और हमारे जो संचय बारंबारता का जो लास्ट का मान होता है वो हमारा बराबर होता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी संचय बारंबारता सही चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैंने फिर बताया था, मैंने यहाँ पे करना होता है हमने एन बाई टू, एन बाई टू यहाँ पे हमारा 68/2, ये हो गया हमारा 34, 34। अब जो एन बाई टू का मान है ना वो हमें संचयी बारंबारता में देखना होता है कि कहाँ आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ तक 22 है लेकिन यहाँ पे 42 है, तो कहीं ना कहीं ये जो 34 है वो 42 में आएगा, क्योंकि ये तो 42 तक समाप्त है, सॉरी 22 तक समाप्त है, लेकिन 42 हमारा देखो यहाँ पे आने वाला है, ये आने वाला है। तो ये जो हमारा एक बन जाएगा ये हमारा माध्यक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। ये वाला है हमें इससे काम है, ये वाला हमारा माध्यक वर्ग बन गया, और इसका हमें ये हमें किससे पता चला, एन वाई टू के मान से, क्योंकि एन वाई टू हमारा 34 है और 34 संचयी बारंबारता में 42 के अंतर्गत आता है, और 42 के जो अंतर्गत है तो 42 के सामने वाला जो वर्ग होगा वो हमारा कहलाएगा माध्यक वर्ग। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा एन बाई टू आ गया, अब बात करते हैं सबसे पहले हम एल की। तो एल हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा रहता है एल जो हमारा लोअर लिमिट है, माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट हमारी कहलाती है एल। तो यहाँ पे ये जो एल बराबर हो गया हमारा, एल बराबर हो गया हमारा 125, एल बराबर हो गया हमारा 125। इसके बाद बात करते हैं हम सी एफ की। तो मैंने बताई थी सी एफ जो हमारी संचय बारंबारता इससे पूर्व की बारंबारता, ये हमारी होती है सी एफ, ये हमारी सी एफ होती है। तो हमारी सी एफ क्या हो गई, संचय बारंबारता हो गई हमारी 22, ये हमारी 22 हो गई। इसके बाद में क्या होने वाला है, एफ की वैल्यू, एफ हमारी हो जाता है 20, ये मैंने बताया था आपको, ये एफ होता है, एफ हो गया हमारा 20। अब रह गया एच, और एच क्या है हमारा 20, एच बताया था मैंने वर्गमाप हमारी, अब वर्गमाप कितनी देखो 65-85 के अंतर कितना अंतर है 20 का है, तो ओवरऑल सभी को देखें तो इस सब के अंदर 20 का ही अंतर है। तो ये हमारे पास जो भी मान है वो हमारे आगे जितने भी हमें मतलब इस सूत्र के लिए चाहिए थे वो हमारे पास हैं। अब सीधा हमें क्या करना है, फॉर्मूले में ये जो मान है वो ये यहाँ पर रख देने हैं और हमारा माध्यक निकल आएगा, ठीक है। तो बात करने वाले हैं माध्यक की। तो माध्यक का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ नीचे,
ठीक है ना, ये वाला माध्य का फॉर्मूला है। अब हम रखते हैं इसके अंदर मान, एल बराबर हमारा 125 है, एन बाई टू का मान क्या आ गया 34। ठीक, अब एन बाई टू आप 68 मत रख देना, या तो आप सीधा सीधा एन बाई टू रख दो डायरेक्टली 34, अगर नहीं रख पाओ तो सिर्फ एन का मान रखना। एन का मान हमने 68 रखा, 68 में 2 का भाग दिया 34 ही आया। ठीक, तो या आप एन बाई टू रख लो या डायरेक्टली आप एन का मान रख दो। तो 34 माइनस सी एफ हमारा क्या है, सी एफ हमारी 22 है, इसके बाद में एफ हमारी 20 है, और एच बी हमारा क्या है 20 है। ठीक है, एफ हमारी 20 है, एच हमारा 20 है, सी एफ हमारी 22 है, ठीक है ना, एल हमारा 125 है। तो आगे हल करो, तो 125 प्लस 34 में से अगर 22 घटाएं तो हमारा क्या होता है, कितना प्राप्त होगा बताओ, 12 होगा। बिल्कुल सही बात है, 12 होगा, 12/20 गुणा में 20। ठीक, अब देखो ये 20 से ये 20 कैंसिल आउट कट गए, क्या बचा हमारा, बचे 125 प्लस के 12, कितना आ गया 137 आ गया। ये हमारा क्या हुआ, माध्यक होगा, ये हमारा माध्यक होगा, आंसर है। ठीक है, 137 हमारा क्या आ गया, माध्यक आ गया। ठीक है, तो माध्यक के लिए हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि हमारी जो भी उपभोक्ताओं की संख्या होगी हमारी एफ, उसमें हमें सिर्फ संचयी बारंबारता ही निकालनी है और ये हमारा माध्यक निकल आएगा। ठीक है, अब देखो सवाल यही रहने वाला है, इसके बाद में हम बात करते हैं अगले, इसमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना है बहुलक। ठीक है ना, तो बहुलक के लिए क्या ज्ञात करना पड़ता है हमें, तो वो भी देख लेते हैं आगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने लिखा ये सब, करें साफ। देखो सवाल यही रहने वाला है, अभी बात करते हैं हम बहुलक की। ठीक है, फिर हमारा रह जाएगा ये कि माध्य, माध्य रह जाएगा, ओनली माध्य। ठीक है, तो देखो, तो मैंने अब बात करते हैं बहुलक की। अब बात करते हैं बहुलक की, तो देखो याद करो, मैंने बहुलक आपको वर्गीकृत के रूप में बताया था, उसका मैंने अलग से फॉर्मूला बताया था आपको। तो बहुलक का देखो, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुलक का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस f1 - f0 बटे 2f1 - f0 माइनस f2 गुणा में h, ये होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा रहने वाला है बहुलक का फॉर्मूला। ठीक, अब देखो हमें f1 f2 ये देखने, ये जो मान है हमारे ये निकालने, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने बहुलक निकालने के बाद, निकालने से पहले क्या बताया था हमें, जो जो भी बारंबारता हमारी सर्वाधिक आएगी उसके सामने वाला वर्ग हमारा बहुलक वर्ग होगा, ये मैंने बताई थी। तो यहाँ पे देखो सर्वाधिक बारंबारता है किसकी अधिक है, इसकी अधिक, देखो ये 20 अधिक है, 20 से अधिक नहीं है, कहाँ ही है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। तो 20 वाला जो वर्ग हो गया वो हमारा हो गया बहुलक वर्ग। ठीक, ये अगर हम बात करें इस वाले वर्ग की, ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग के बाद मैंने बताया था आपको ये जो बहुलक वर्ग ये कहलाता है हमारा f1। ठीक है, इससे पहला मैंने बताया था ये कहने वाला है, ये कहलाता है हमारा f0, और इसके बाद का कहलाता है f2। तीन मान हमारे पास आ गए, अब बचे एल का मान क्या बताया था, एल का मान बताया था हमने जो भी हमारा बहुलक वर्ग होता है उसका जो भी निम्न सीमा है उसकी, वो हमारी एल होती है, और एच हमारा इनका जो अंतर है, जो भी हमारे वर्ग अंतराल दिए हुए होंगे या जितने का वर्ग अंतराल होगा वो हमारा एच होगा। ठीक है दोस्त, तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं,
माध्यक वर्ग, सॉरी बहुलक वर्ग क्या रहे, क्या है, एफ वन क्या है, एफ टू क्या है। तो देखो सबसे पहले हम बहुलक वर्ग लेते हैं। बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग है हमारा 125 से लेकर के 145 वाला, ठीक है। 125 से लेकर के 145 वाला हमारा बहुलक वर्ग हो गया। इसकी एल जो है हमारा वो है 125, ये होगी हमारी। एफ वन क्या निकाला हमारा, एफ वन क्या निकला हमारा, ये 20 है एफ वन। एफ टू क्या निकला हमारा, 14। एफ जीरो क्या है, 13। इसके बाद बात करें एच की, एच क्या है हमारी, एच 20 है। यही चाहिए। इसके बाद हमारे जो फॉर्मूला है उसमें ये मान रख दो, बहुलक निकला आएगा आपका। एल हमारा देखो क्या होने वाला है, 125। एफ वन क्या है, 20 20। एफ जीरो क्या है यहाँ पे, 13 बटी 2 गुणा एफ वन 20, एफ जीरो 13, एफ टू 14, और गुणा में एच, एच बराबर क्या है, 20। ठीक, ये हमने मान रख दिए। अब मान रखने के बाद में यहाँ पे क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आप कर ही लोगे, एक बार मैं कर देता हूँ। 125 प्लस देखो 20 में से 13 गए, 7 बच गए, ठीक है। इसके बाद हम देखो यहाँ पे देखो 20 का गुणा 2 से तो 40 है, माइनस ये माइनस माइनस के हैं तो यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे गुणा किसका है, 20 का गुणा है। अब देखो नीचे बात करो, 125 प्लस देखो यहाँ पे 7 है ये गुणा में, ऊपर ये 20 है, और नीचे बात करें तो क्या आ गया हमारा, 13। 40 में से 27 घटाएं तो 13 आ गया हमारा, 7 3 10 और 2 3 4, ठीक है 13 आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे बात करें हम, या तो 7 2 14 140 आ जाएगा यहाँ पे। 125 प्लस 140/13 ये हो गया। 125 प्लस 7 का गुणा 20 से किया हमें, यहाँ पे 140 आ गया बटे 13। 140 में भाग दे लो 13 का, जो भी आएगा तो देखो अलग से भाग दे लो 13 का भाग। एक बार गया पहले तो एक बच्चा, यहाँ पे 0 है, ठीक है यहाँ पे 0 है। तो देखो क्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। कितनी बार गया देखो, 13 6 78, 13 7 सात बार चला गया 91। फिर बचा यहाँ पे सब तुम्हारा 7, सॉरी यहाँ पे 9 बचे, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6 बार, ठीक है। तो 1.76 बार यहाँ पे जाने वाला है इसका मान। तो यहाँ पे मान आ जाएगा 125 प्लस 1.76, सॉरी 10.76 आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होने वाली है हमारी, ये होने वाली है हमारी साहब कितना आ गया, 135.76 के समथिंग, 135.76 के समथिंग हमारा ये हो गया हमारा क्या, बहुलक। बात करें हम किसकी, तो बहुलक की, ये हमारा बहुलक हो गया, ठीक। तो बहुलक भी निकल आएगा इससे, हमारा सवाल वही है, सवाल निकालने सवाल वही है। पहले निकाला हमने क्या, माध्यक, फिर निकाला हमने बहुलक, अब रह जाता हमारा माध्य, ठीक है। तो देखो माध्य भी, ये आप नोट डाउन कर लो, माध्य भी निकाल लेंगे इससे, क्योंकि माध्य तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 3 विधियाँ बताई थी मैंने माध्य निकालने के लिए। और जो आपको उचित लगे, जो आपको आसान लगे वो आप निकाल सकते हो। कर लिया नोट डाउन? तो देखो अभी बात करने वाले हैं हम माध्य की। सवाल एक ही है और बस, देखो ये मान भी समथिंग समथिंग ही आते हैं इनके। अब अगर देखो, अगर हम अब माध्य निकालेंगे तो माध्य के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकता होती है उसके अनुसार चलेंगे, क्या क्या चीज़ निकालना है हमें, क्या नहीं निकालना है, ठीक है। तो माध्य के लिए सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि द्वारा देख लेते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में
प्रत्यक्ष विधि, देखो माध्य की बात करें हम, माध्य प्रत्यक्ष विधि का जो माध्य था वो, उसका फॉर्मूला क्या था, वो था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा के एफ, यही था। अगर हमारे यहाँ पे हमारा एफ का मान है और हम यहाँ पे हमें चाहिए एक्स आई का मान, एक्स आई क्या रहने वाला है, इनकी जो भी मध्य का मान है वो हमारा हो जाएगा एक्स आई। तो देखो 65 और 85 के मध्य में क्या होता है, 75, 75 हो गया, ठीक है। जैसे अगर इनके मध्य का अंतर 20 है तो एक्स के जो भी अंतर आएगा वो भी हमारा 20 का आने वाला है, तो इसमें अगर 20 जोड़ते जाएं तो वो हमारा मान आ जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया हमारा 95, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे 20 जोड़ दें तो 115 हो जाएगा, फिर इसमें 20 जोड़ दें 135 हो जाएगा, फिर 20 55, इसके बाद में 20 75 और फिर आ जाएगा हमारा 195, 195, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपने देखा, तो अभी बात करने वाले हम एफ एक्स की, क्योंकि हमें माध्य निकालने के लिए एफ एक्स की आवश्यकता है, तो एफ एक्स देख लेते हैं। और एफ एक्स क्या होता है, जो एफ वैल्यू है उसका और जो एक्स वैल्यू है उसका गुणा, वो होगा हमारा एफ एक्स। तो देखो 4 का गुणा अगर 75 से करें तो देखो 5, 4 का गुणा 5 से करो 20, 2 7 चौके 28 और 2 30, तो ये 300 हो गया। इसके बाद देखो 5 का 95 से करो, 95 से 5 का 5 से करेंगे तो 25, 2 हासिल हो गई, 5 का 9 से करेंगे तो 45 और 2 हो जाएंगे हमारे 47, ठीक है। इसके बाद हम देखो 13 का करो, 13 पंजे 65 होता है, 6 हो गई हासिल, और 13 को 1 से 13, और 13 और 6 कितने हो गए हमारे 19, हासिल 1, और 13 का 1 से और 1 14, ये 1495 हो गए। उसके बाद में 20 का करें तो इसका हो जाएगा हमारा 2700। अगर बात करते हैं हम 14 का गुणा करते हैं 155 से, तो 14 पंजे कितने हो जाएंगे 70, 0 हासिल 7 हो गई, फिर 70 और 7 77 हासिल 7, 14 एकम 14 और हासिल के साथ क्या हो गए हमारे 21, ये 2170 हो गए। इसके बाद बात करते हैं हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 175 से, तो देखो ये तो आपको करना ही है, ठीक है, और जितना जल्दी करोगे उतना फायदेमंद होगा। 58 देखो 40 होते हैं, फिर 8 7 56 60 हो गए, और 8 एकम 8, 8 6 14, ये 1400 हो गए। इसके बाद में 4 का गुणा करते हैं किससे 195 से, तो 5 चौके 20 और देखो 9 चौके 36 और 2 क्या हो गए 38 और 4 और 3 7, ये हो गए हमारे, ये हो गई हमारी एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे इनका क्या लेना है, योग लेना है, ठीक है ना। अब इनका अगर योग करके देखें तो योग आ जाएगा हमारा 9320 के समथिंग, ठीक है। अगर इनका हम योग करके देखें तो योग आने वाला है हमारा 9320 के समथिंग, और ये आप करके देख सकते हो, ठीक है। अब हमें रखने हैं फॉर्मूले में मान, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 9320 बटा ये एफ की वैल्यू, सिग्मा एफ का योग यहाँ पे लिख सकते हो आप, भले ही सिग्मा एफ बराबर ये हो गया, और सिग्मा एफ एक्स का योग हमारा ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, इसमें भाग दो 68 का, ठीक है। अगर 68 का भाग देते हैं तो हमारा जो भी योग, जो वैल्यू है ना, वो हमारी करीबन करीब इतनी प्राप्त होती है, ये हमारा क्या है, माध्य रहने वाला है, ठीक आंसर है, ठीक है। ये जो सवाल मैंने कराया है अभी, ये हमारा 21 सवाल हुआ है अभी, ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है, क्योंकि देखो इसी के अंतर्गत हमें, देखो हमें माध्य भी निकाला, इसके अंतर्गत हमने बहुलक भी निकाला और हमने माध्यक भी निकाला, ठीक है, और तीनों ही हैं, और अधिकतर जो भी आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो इसी से आने वाले हैं, ठीक है, इसी से आने वाले हैं। तो ये हमारी इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि 10 से लेकर के 12 तक का सवाल यहीं से आने वाला है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन आसान है, सेम वही प्रोसीजर है, एक सवाल कर लो या आप अनेक कर लो, सेम तरीका वही रहेगा, ठीक है ना, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, जितना अधिक हो सको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि आपके जो फॉर्मूलाज हैं
और लास्ट जो भी मैंने कराया था वो आप रिवाइज जरूर करें, ठीक है। और मैंने बताया था आपको, जो भी मैंने जितनी बार भी फॉर्मूले लिखाए थे उनको आप एक जगह पे जरूर लिख लें, ठीक है ना, ताकि आप जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करें तो एक पढ़ने से पहले आप हल्की सी नज़र अपने जो भी फॉर्मूलाज हैं उनके ऊपर डाल लें, ताकि आपको वो स्थायी रूप से याद हो सके, ठीक है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंड लोगों को कॉल करके या मैसेज करके बोल दिया करें, ठीक है, कि ये वाली जो भी मैं लिंक भेजने वाला हूँ ये वीडियो आप जरूर देखें, आपकी फ़ायदेमंद है, ठीक है। और जैसा कि हम बता चुके हैं, ये वाला जो क्लास होने वाली है ये अगले सेशन के लिए है, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, ठीक। और जो वीडियो, ये पहली वीडियो देखिए, वो हमारी प्लेलिस्ट चेक करके हमारी प्रीवियस जो भी वीडियो हैं वो देख लें, और हमारी साइंस वगैरह क्लासेस रेगुलर चली रही हैं, ठीक है। तो जितना हो सके आप शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।